नमस्कार, दुरुस्त न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लगता है जो हिंदुस्तान का जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा प्रगति कर चुका है, जो आयुर्वेद है वो बहुत ज्यादा प्रगति कर चुका है। हिंदुस्तान में एक ऐसी दवा निकली है जो गौमूत्र से बनती है, जिससे कैंसर का 100% इलाज है। जी हाँ, कैंसर का 100% इलाज जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं उन्होंने इजाद किया है। उनका ये कहना है, उनको ब्रेस्ट कैंसर था और उन्होंने गौमूत्र और गौमूत्र के अलावा और कुछ चार पांच जो गाय से ही जो चीज़ें मिलती हैं उन सबको मिलाकर जो उन्होंने एक दवा बनाई है, उसकी वजह से उनका जो कैंसर है वो पूर्ण ठीक हो गया है। यही नहीं, अगर आप गाय पर उल्टा हाथ फेरें तो आपका बीपी भी कंट्रोल हो सकता है। ये हमारी बहुत एडवांस लेवल की मेडिकल अचीवमेंट है जो हिंदुस्तान में आई है, जिसके लिए हम दुनिया भर से जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं, हिंदुस्तान में बुलाते हैं, ताकि आप प्रज्ञा जी ठाकुर के साथ एक मीटिंग करें, आप समझें कि इस दवा का जो फ़ायदा है वो दुनिया भर में किस तरह से पहुँच सकता है। साध्वी जी, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में गाय को लेकर राजनीति खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काउ स्लॉटर पे बैन लगा दिया है, उसके बाद अब लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ तो सपोर्ट करते हैं, बाकियों को समझ ही में नहीं आ रहा कि गाय के साथ क्या करना है, तो ऐसी खुले में छोड़ देते हैं गाय को। अब यहाँ तक कि जेल में बंद करनी पड़ रही है गाय, तो अब ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ। ये कैसा समाधान है? ये कष्टकारी होता है। गौधन जो है वो अमृत है। आप देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको तकलीफ़ होगी, ठीक है। लेकिन ये तकलीफ़ ये सहन करती हैं, और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है, गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पर ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा, लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है तपस्या होती है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधियाँ। पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध, और गौमूत्र, गोबर और दही, ऐसे पाँच चीज़ों को मिला करके हम गौ पंचगव्य बनाते हैं। अब डॉक्टर लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है साधु, ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इसका। खैर, ये एक मजाक था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये एक दावा है, कहना है कि उनकी जो बीमारी है, जो उनको ब्रेस्ट कैंसर था, वो गौमूत्र पीने से ठीक हो गया है, जिसकी पुष्टि कोई भी साइंस नहीं करता है, जिसकी पुष्टि शायद किसी भी डॉक्टर या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं करी है। ये एक इस तरह का मजाक है जो लाखों जो लोग हैं जो पीड़ित हैं कैंसर से, उनके साथ किया गया एक मजाक है। अगर आपको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी भी तरह का प्रचार करना है, किसी भी तरह की स्टेटमेंट्स देनी है, आप दें, आप भले ही दें, लेकिन किसी ऐसी स्टेटमेंट को ना दें जो किसी बीमार व्यक्ति को, जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, जिसके पास समय कम है, जिसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कोई कहता है आप इस अस्पताल चले जाएं, कोई कहता है आप उस अस्पताल चले जाएं। कैंसर कई लोगों को चौथे स्टेज में ही पता ही पड़ता है, उसका जो डायग्नोज होता है वो शायद चौथे स्टेज पे आने के बाद ही उनको पता पड़ता है, उनके पास समय बिल्कुल कम होता है। तो उस समय पर अगर इस तरह का कोई व्यक्ति एक बेतुका बयान देता है, ये कहता है गौमूत्र पीने से मैं ठीक हो गई हूँ, तो शायद वो लोग भी उस तरफ बढ़ेंगे। जब वो एक सही तरह का इलाज किसी अस्पताल में करवा रहे हैं, वो एक गलत बयान से डाइवर्ट होंगे, उनको ये लगेगा शायद हम भी ठीक हो जाएं। हकीकत यह है कि इस तरह की कोई भी पुष्टि प्रमाण नहीं हुआ है। जो प्रज्ञा ठाकुर की अगर आप बात करें, ये बेल में बाहर आई हैं, इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। मालेगांव जो हमला हुआ था, मालेगांव में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके प्रमुख अपराधी मानी जाती हैं। तकरीबन 9 सालों से ये जेल में रही हैं। इनके ऊपर एक मर्डर का भी केस है, जो कि एक आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति का ही है।
बीजेपी डबल स्टैंडर्ड आखिर क्यों कर रही है? बीजेपी एक तरफ पुलवामा और उरी हमले को पूरी देश भर में अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसके उलट एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक आतंकवाद के केस में फंसा हुआ है, जो अभी भी सिर्फ जमानत पे बाहर है, उसको आप भोपाल का सीट देकर उसको एमपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो आतंकवाद के मामले में लिप्त है, आप उसको कैसे जनता का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत दे सकते हैं? जब कोर्ट में यह बात पहुंची कि इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए, तो कोर्ट ने यह कहा कि हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से रोक सकें। तो क्या आप अफजल गुरु जैसे इंसान को भी इलेक्शन लड़ने दे सकते थे, या फिर ऐसे किसी भी आतंकवादी को जो शायद जेल में है और वो चाहे कि बाहर आए और वो इलेक्शन लड़ना चाहे, क्या आप उसको भी इजाजत देंगे? यकीनन नहीं देंगे। तो आखिर क्यों ऐसी एक महिला जो कि अपराध में लिप्त है उनको आपने इजाजत दी, और आपके पास ऐसे कैसी ताकत नहीं है कि इनको इलेक्शन कर लड़ने से रोका जा सके? जगह जगह जहां पर भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जाती हैं, वो साफ तौर पर यह कहती नजर आ रही हैं कि उनको एनआईए ने क्लीन चिट दे दी है। हकीकत यह है कि एनआईए ने जो भी सबूत 2014 से पहले सबमिट किए थे वो बहुत पुख्ता थे, जो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कठघरे में खड़ा करते थे, जो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जेल भेजने के लिए या फिर उनको और भी कड़ी सजा दिलाने के लिए काफी थे। और एक समय ऐसा आया जब एनआईए ने ये सबूत दिखाया सुप्रीम कोर्ट पर कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सीधे कोई भी अपराध नहीं साबित होता है तो इनको रिहा कर देना चाहिए, तो हम क्लीन चिट देते हैं। अचानक से ऐसा हुआ। ये वही एनआईए है जिसने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ तमाम जो प्रूफ थे, जो सबूत थे, वो इकट्ठे करे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के द्वारा सबमिट करे गए उस क्लीन चिट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास जो सबूत अब तक आए हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि प्रज्ञा सिंह मुजरिम है और इनके ऊपर जो केस है वो जारी रहेगा, हम उसको खत्म नहीं करेंगे। तो जो क्लीन चिट जो एनआईए ने सबमिट करी थी उसको खारिज कर दिया गया था। तो जो प्रज्ञा सिंह ये कह रही हैं कि उनको क्लीन चिट दे दी गई थी, तो हकीकत यह है कि उनको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बाहर घूम रही हैं वो अपने मेडिकल ग्राउंड्स पे घूम रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है, मेरे को इलाज के लिए बेल चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना भी और उनको छोड़ भी दिया गया। टाटा सेंटर और जे अस्पताल, जिन दोनों ही अस्पतालों में प्रज्ञा सिंह ने अपना इलाज कराने की बात करी थी, अपना इलाज कराने वो गई थी, उन दोनों ही अस्पतालों ने इन पर तमाम तरह के टेस्ट करे थे, जिसमें एक प्रमुख टेस्ट कहा जाता है CA125 ब्रेस्ट मार्कर टेस्ट, जो एक महिला के स्तन होते हैं उन पर कैंसर है या फिर नहीं है इसकी जांच करने के लिए टेस्ट होता है, जो नेगेटिव पाया गया, यानी इनको कैंसर था ही नहीं। इसके बाद जो इनकी MRI रिपोर्ट है और इनकी ECG रिपोर्ट है वो भी सामान्य बताई जाती है। जे अस्पताल के तरफ से जो बयान बाहर आता है उसमें ये कहते हैं कि ये महिला एकदम स्वस्थ है, इनको कभी किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं हुई है। यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बाहर आई हैं वो एक झूठ के साथ आई हैं, इनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, तो आखिर किस तरह से इनको बेल मिली? प्रज्ञा सिंह ठाकुर का खुद का ये कहना है कि अब वो स्वस्थ हैं, गौमूत्र पीने से यानी गौमूत्र की वजह से उनकी बीमारी ठीक हो चुकी है, उनका कैंसर अब नहीं है। जब आप खुद ये कह रही हैं कि आपको कैंसर नहीं है, तो आपको क्या हक बनता है कि आप बेल में अभी भी बाहर रहें? आखिर बीजेपी इनके हर बयान का समर्थन क्यों कर रही है? आखिर बीजेपी प्रज्ञा सिंह के बेतुके बयानों को इतना प्रमोट प्रचार क्यों कर रही है? कभी प्रज्ञा सिंह ये कहती हैं कि गौमूत्र पीने से मेरा कैंसर ठीक हो गया है, कभी प्रज्ञा सिंह ये कहती हैं कि मेरे श्राप देने से हेमंत करकरे की मृत्यु हो गई है, कभी वो ये कहती हैं कि जो बाबरी मस्जिद जो ढहाई गई थी उसमें प्रमुख ये खुद भी थी। इतने तमाम बेतुके बयानों को जो सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी की तरफ से, वो उनके ड्यूल स्टैंडर्ड को यानी दोगुलेपन को उजागर करता है। एक तरफ तो वो उरी हमला, पुलवामा हमला या फिर आतंकवाद के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करते हैं जो खुद आतंकवाद में लिप्त है और उसको अब भोपाल की जनता के सर पर मरना चाह रहे हैं। ऐसे इंसान के हाथ पर जब ताकत आ जाती है तो उस स्टेट का, उस जगह का क्या हश्र होगा, ये शायद आप नहीं जानते। और ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर बीजेपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों को
सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दे। क्या आपको ये लगता है जो मोदी जी ने या फिर जो राहुल गांधी जिस तरह के प्रचार कर रहे हैं, ये दोनों ही सही प्रचार कर रहे हैं? आपके जो कोई भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में हमको लिखें, हम उन सवालों पर और एनालाइज करके उन सवालों पर एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बने रहें हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको वो तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।